आज लौकी का कोफ्ता बनाएंगे। लौकी का कोफ्ता के लिए लौकी को कद्दूकस कर लिया है। उसमें ग्रीन मिर्ची, अदरक, हरी धनिया, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, इस नमक, स्वाद अनुसार नमक, एक स्पून बेसन। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी नहीं डालना है, उसी में पानी होता है। कई लौकी में पानी ज़्यादा रहता है तो पहले से थोड़ा निचोड़ लेवे पानी। तो इस कंसिस्टेंसी से आटे को तैयार करके रखेंगे। फिर अभी इसको देखिए, तेल गरम हो गया है। छोटा छोटा इसमें पकौड़ी जैसा डालेंगे तलने के लिए। देखिए, ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर को थोड़ा ऐसा घुमाते रहने से चारों तरफ ब्राउन कलर, अच्छा कलर आ जाता है। देखिए कितना अच्छा अभी तैयार हो गया है कोफ्ता। इसको निकाल रही हूँ। और सेकेंड टाइम भी जो है उसको भी तल लेंगे। जो सामग्री चाहिए, खसखस, काजू, अदरक, ग्रीन मिर्ची, दालचीनी, लवंग, टमाटर, इसको एक मिक्सी जार में डाल के नाइस पेस्ट कर लेते हैं। अभी एक बर्तन में तेल डाला है। हींग, जीरा, लाल मिर्ची, तेल में लाल मिर्ची डालने से कलर अच्छा आता है, हल्दी, जो पेस्ट बना के रखा है ना वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छा भून लेते हैं। धनिया पाउडर, नमक, स्वाद अनुसार नमक। देखिए जब तेल छूटता है थोड़ा पानी डालेंगे इस कंसिस्टेंसी में। अभी इसमें कोफ्ते डाल रहे हैं। इसको 10 मिनट के लिए ऐसे पका लेंगे। कोफ्ता रेडी हो गया है। इसको सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर में गार्निश के लिए धनिया डाल रही हूँ। लौकी का कोफ्ता रेडी।